हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर टॉपिक ऑन इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी। ठीक है, पहले हम देखते हैं इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी होती है जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल जब एंटर हो जाते हैं, जब एंटर हो जाते हैं हमारे बॉडी में, तब इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होते हैं, कौन होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट दीज फॉरेन पार्टिकल्स और वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ जो फाइट करते हैं, ठीक है ना। कौन एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करते हैं किनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या इन फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है ना। ये होती है इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी, मीन्स ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। कौन ये इम्यूनिटी, जो ये इम्यूनिटी है ये एज डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है, ठीक है, एज डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये डिफेंड करता है, अगेंस्ट फाइट करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन पार्टिकल्स जो हार्म करते हैं, जो हार्म करते हैं या मतलब जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल लाइक पैरासिटोसाइट्स होंगे या बैक्टीरिया होंगे, ठीक है ना, या वायरसेस होंगे, ठीक है, फंगस होगा, वो मतलब फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन शो करते हैं, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन शो करते हैं। कौन, जो ये एंटीबॉडीज हैं ये प्रोटेक्शन करते हैं, देते हैं हमें, ताकि हम बच सकें, हमारी बॉडी हार्म नहीं हो जाएंगी किसकी, किनके वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से और फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है ना। ये होती है इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी, फिर से बोल रहा हूं, क्या होती है इम्यूनिटी, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, तब इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, किनको डिस्ट्रॉय करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फॉरेन, जो भी फॉरेन पार्टिकल है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज वो होते हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है, ताकि इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ये होते हैं इम्यूनिटी। मीन्स ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंड करता है हमारे बॉडी को, ठीक है ना। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जैसे लाइक पैरासाइट्स होंगे, फंगाई होंगे, बैक्टीरिया होंगे या वायरसेस होंगे, ठीक है, जो हार्म कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं हमारे बॉडी को, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन शो करते हैं, उनके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन शो करते हैं, ये होती है इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो उसमें, उसके अंदर डिजीजेस ज्यादा चांसेस नहीं होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है ना। जिसके पास इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जिसके पास इम्यूनिटी वीक होगी, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो उनको डिजीज होने के या इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मीन्स की इम्यूनिटी यहाँ पे यह होता है कि जिसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे, जो जिसकी एबिलिटी, जिनकी एबिलिटी, हमारी बॉडी की एबिलिटी जो होती है फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेन पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल की एबिलिटी कितनी है ताकि वो एक फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट कर सके, जो वो एबिलिटी शो करता है, जो फाइट करता है फॉरेन पार्टिकल्स के साथ, वो होती है इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी, ठीक है। अब है इसकी इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन, क्या है क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन। पहले इसमें इम्यूनिटी दो में, इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। फिर इनेट इम्यूनिटी ये तीन में डिवाइड, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्पेशीज इम्यूनिटी, स्पेशीज इम्यूनिटी। सेकंड वन इज रेशियल इम्यूनिटी एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। फिर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो में पहले डिवाइड करेंगे हम. एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, फिर एक्टिव इम्यूनिटी में हम दो में डिवाइड करेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. फिर है पैसिव इम्यूनिटी. ये भी हम दो में डिवाइड करेंगे. ठीक है, एक है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन इम्यूनिटी की. ठीक है, पहले हम दो में इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो टाइप से इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. फिर ये इनेट इम्यूनिटी के तीन में डिवाइड, तीन सब टाइप से इसके. पहला है स्पेशीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी. फिर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दो में, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. फिर एक्टिव इम्यूनिटी में हमने दो में किया, नेचुरल आर्टिफिशियल नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी. ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, फिर है पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी में हमने दो में किया, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. पहले हम देखेंगे अब इनेट इम्यूनिटी. अब हम एक एक करके ये एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, अब है फर्स्ट वन इनेट इम्यूनिटी. फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी विच मे बी जेनेटिकली पासड फ्रॉम वन जनरेशन टू, जेनेटिकली पासड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, from one generation to another. ठीक है, innate immunity क्या होती है? immunity which may be genetically passed from one generation to another generation. ठीक है ना, means कि immunity जो pass होगी from one generation to another. ठीक है ना, जो इम्यूनिटी पास होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी. क्या बोलते हैं उसको? इनेट इम्यूनिटी. मीन्स कि ये जो इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी नेचुरल है, ये नेचुरल है होती है. ठीक है ना, जो ये इनेट इम्यूनिटी होती है ये नेचुरल होती है, और वी कैन से ये बाय बर्थ होती है, और वी कैन से ये क्या होती है? बाय बर्थ होती है. ठीक है ना, बाय बर्थ. कौन? इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी होती है जो जेनेटिकली पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये होती है नेचुरल इम्यूनिटी, और वी कैन से ये होती है, ये इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ. क्या होती है? बाय बर्थ. अब इनेट इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया कि इसमें तीन सब टाइप्स है, स्पेशीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी. अब हम पहले देखेंगे स्पेशीज इम्यूनिटी. क्या देखेंगे? स्पेशीज इम्यूनिटी. ठीक है, स्पेशीज इम्यूनिटी में क्या होती है? ये होती है रेजिस्टेंस जो होती है, मीन्स के रेजिस्टेंस मीन्स के जो फाइट होती है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स. ठीक है ना, जो फाइट होती है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, वो सिर्फ एक ही स्पेशीज में होती है. किसमें? एक ही स्पेशीज में होती है. जो भी फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स होती है वो सिर्फ एक ही स्पेशीज में होती है. ठीक है ना, एक स्पेशीज में वो फाइट करेंगे अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स. लेकिन अगर जो दूसरी स्पेशीज होगी लेकिन उसमें वो इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर पाएंगे उस माइक्रोल या फॉरेन पार्टिकल के साथ. ठीक है, समझ आ रहा है? मीन्स के जो भी स्पेशीज इम्यूनिटी, मीन्स कि अगर जो एक स्पेशीज में होती है, दूसरी स्पेशीज में अगर कोई भी डिजीज या कोई भी इन्फेक्शन होगा वो सिर्फ एक ही स्पेशीज में होगा लेकिन दूसरी स्पेशीज में नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, स्पेशीज इम्यूनिटी मीन्स कि अगर एक स्पेशीज में होगी प्रेजेंट इम्यूनिटी, ताकि वो किसके अगेनेस्ट जो भी फॉरेन पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होगा उसके अगेंस्ट अगर उसमें इम्यूनिटी प्रेजेंट हो, दैट मीन उस स्पेशीज में वो उसके साथ फाइट कर सकते हैं. लेकिन नेक्स्ट स्पेशीज में अगर वही फॉरेन पार्टिकल चले जाएगा, दैट मीन्स कि उसके अंदर उसके अगेनेस्ट इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स कि वो वहाँ पर डिजीज होगी या इन्फेक्शन होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पेशीज ए और स्पेशीज बी होगी, अगर स्पेशीज ए और स्पेशीज बी होगी, ठीक है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स चले जाएगा स्पेशीज ए में,
किसमें, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा किसमें, स्पेशीज ए में, ठीक है ना। ये फॉरेन पार्टिकल स्पेशीज ए में कोई भी हार्म नहीं करेगा, कोई भी हार्म जो फॉरेन पार्टिकल चला गया है किसमें, स्पेशीज ए में। मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं आपको कि जो फॉरेन पार्टिकल चला जाएगा स्पेशीज ए में, लेकिन वहां पे वो फॉरेन पार्टिकल कोई भी हार्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेशीज ए में इम्यूनिटी प्रेजेंट है किसके अगेंस्ट, जो ये फॉरेन पार्टिकल चला गया है किसमें, स्पेशीज ए में। अगर यही इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैक्टीरिया गया, ठीक है ना, कोई भी बैक्टीरिया गया, ठीक है, अगर यही बैक्टीरिया अब बी स्पेशीज में चला जाएगा, किसमें, बी स्पेशीज में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर ये बी स्पेशीज में ये बैक्टीरिया चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये हार्म कर सकेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये डिजीज या ये बैक्टीरिया यहाँ पे हार्म कर सकता है, क्योंकि इस स्पेशीज में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स कि ये होता है किसमें, स्पेशीज, ये होता है स्पेशीज इम्यूनिटी, ठीक है ना। बी में ये हार्म कर सकता है क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी नहीं है अगेंस्ट दिस फॉरेन पार्टिकल, ये होता है स्पेशीज इम्यूनिटी। अब है सेकंड वन, इसी में रेशियल इनेट इम्यूनिटी। अब है सेकंड वन रेशियल इनेट इम्यूनिटी, लेकिन ये याद रखना, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया कि स्पेशीज इनेट इम्यूनिटी उसमें हम क्या देखते हैं, एक ही मतलब स्पेशीज में होगी अगर डिजीज होगी, लेकिन अगर वही डिजीज नेक्स्ट स्पेशीज में चला जाएगा स्पेशीज, लेकिन स्पेशीज इनेट इम्यूनिटी में स्पेशीज डिफरेंट होते हैं, एक स्पेशीज दो स्पेशीज, ठीक है ना, उसमें अगर एक स्पेशीज में वही फॉरेन पार्टिकल चला जाएगा उसमें वो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट स्पेशीज में अगर वही फॉरेन पार्टिकल चला जाएगा तो उसमें वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकंड है रेशियल इनेट इम्यूनिटी, रेशियल इनेट इम्यूनिटी, ठीक है ना, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स फॉरेन पार्टिकल्स अमंग रेसेस ऑफ स्पेशीज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन अमंग रेसेस ऑफ स्पेशीज, मीन्स समझा रहा हूं आपको मैं, रेजिस्टेंस टुवर्ड फॉरेन पार्टिकल्स अमंग रेसेस ऑफ ए स्पेशीज। इसमें हम एक ही स्पेशीज में देखते हैं, क्या देखते हैं, इसमें जो भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला जाएगा एक स्पेशीज में, एक स्पेशीज में, ठीक है ना, यहाँ पे हम एक ही स्पेशीज में देखते हैं, एक ही स्पेशीज में अगर ये फॉरेन पार्टिकल, एक अगर हम यहाँ पर इंसानों को लेंगे, ह्यूमन बींग्स को लेंगे, किसमें, रेशियल इनेट इम्यूनिटी में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ रेशियल इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, फॉर वुमेन इन द यूएस, फॉर वुमेन इन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे वाइट जो होते हैं, जो वाइट होते हैं उनमें 13% होते हैं चांसेस किसके, ब्रेस्ट कैंसर से। अब जो कौन है, जो ब्लैक है, जो ब्लैक है उनमें 12% चांसेस, रिस्क फैक्टर्स इनमें 12% लेकिन इनमें 13%। स्पेशीज यहाँ पे ये स्पेशीज एक ही है, ठीक है ना, लेकिन रेसेस यहाँ पे ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, स्पेशीज ये एक ही है, इंसान ह्यूमन बींग्स ही है, ठीक है ना, स्पेशीज ये एक ही है, लेकिन एक ही स्पेशीज में हम ये देखते हैं जो रेसेस है, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स फॉरेन पार्टिकल्स अमंग रेसेस ऑफ ए स्पेशीज, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट में 13% ब्लैक में 12% है, ठीक है, या समझ, इनमें अलग अलग रेसेस के अलग अलग इम्यूनिटी होती है इन सेम स्पेशीज, ठीक है ना, अलग अलग रेसेस के अलग अलग यहाँ पे इम्यूनिटी अलग अलग होती है इसमें, किसमें, रेशियल इनेट इम्यूनिटी में, जो भी अलग अलग रेसेस के अलग अलग इम्यूनिटी होती है, अलग अलग रेसेस के, यहाँ पे व्हाइट रेस, यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग रेसेस के अलग अलग इम्यूनिटी होती है, लेकिन स्पेशीज एक ही है, स्पेशीज एक ही, ये था रेशियल इनेट इम्यूनिटी। अब थर्ड वन है इंडिविजुअल इम्यूनिटी, अब है थर्ड वन इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी, ठीक है ना। इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि इसमें हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग टाइप से इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना, इसमें हर एक क्या होती है, हर एक इंडिविजुअल की, किसमें, इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी में, याद रखना, इसमें हर एक इंडिविजुअल की, इसमें
हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग टाइप से इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना। इसमें वेरी होती है इम्यूनिटी, क्या होती है वेरी, इसमें वेरी होती है इम्यूनिटी, मीन्स की वेरी करती है यहाँ पे इम्यूनिटी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में एक टाइप मतलब इम्यूनिटी होगी या दूसरे इंडिविजुअल में, ये वेरी करती है इसमें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो हेल्दी होंगे, जो हेल्दी होंगे मतलब जो हेल्दी होंगे उनमें क्या होगी, उनमें इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, ठीक है ना, उनमें इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जो अब अनहेल्दी होंगे, जो अब अनहेल्दी, उनमें इम्यूनिटी वीक होगी, उनमें इम्यूनिटी वीक होगी। या ऐसे ही क्या होते हैं कि चिल्ड्रन्स जो होते हैं, देखो चिल्ड्रन्स यहाँ पे अच्छे से आपको समझ आएगा, जैसे कि चिल्ड्रन्स और एडल्ट हम लेंगे, चिल्ड्रन्स और एडल्ट मीन्स की वेरी करती है, मीन्स चिल्ड्रन्स में इम्यूनिटी क्या होती है वीक और एडल्ट में होती है स्ट्रॉन्ग देन चिल्ड्रन्स, ठीक है ना। चिल्ड्रन्स में इम्यूनिटी वीक होती है देन एडल्ट, चिल्ड्रन्स में इम्यूनिटी वीक होती है देन एडल्ट, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल, जो डाइट अच्छे लेते हैं मीन्स के जो बैलेंस डाइट लेते हैं उनमें क्या होती है, उनमें इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और देन जो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, ठीक है ना, जैसे जो जिनमें विटामिन सी की कमी होती है, ठीक है, जो डाइट अच्छे से प्रॉपर नहीं लेते उनमें इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है। लेकिन जो स्ट्रांग जो हेल्दी जो डाइट भी लेते हैं अच्छे अच्छे से, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती रहती है, ठीक है ना। ये था इंडिविजुअल इम्यूनिटी, मीन्स की यहाँ पे एक इंडिविजुअल, अगर दो इंडिविजुअल लेंगे हम, ठीक है, लेकिन उनमें डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, अगर फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन लेंगे और एडल्ट्स लेंगे, ठीक है ना, चिल्ड्रन में वीक होती है देन एडल्ट्स, देन एडल्ट्स, ये थी इंडिविजुअल इनेट इम्यूनिटी, ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।